तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आपणी वच्चे नथी रह्या, परंतु दरेक लोको तेमना चर्चास्पद पुस्तकनी राह जोई रह्या छे, जे 2021 दुनियाभरमां प्रकाशित थशे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ना पुस्तक में दावा प्रमाणे वर्ष 2012 में कांग्रेस रस्तो भटकी गई छे। राष्ट्रपति बन्या पछी प्रणव मुखर्जीए लखेला पुस्तक में कांग्रेस की हार माटे सोनिया ने मनमोहन ने जवाबदार गणाव्या छे। वधुमां तेमणे पुस्तक में कह्युं हतुं, तेमना राष्ट्रपति बन्या बाद कांग्रेस राजकीय दिशाथी भटकी गई अने केटलाक पक्षोनुं पण मानवू है कि जो 2004 में प्रधानमंत्री बनया होत तो 2014 लोकसभा चूंटणी में कांग्रेसे हार सामनो न करवो पड़ो होत। मुखर्जी तेमना अवसान पहला द प्रेसेंडेशियल यर्स पुस्तक लखी चुक्या था। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आ पुस्तक जान्युआरी 2021 वाचकों उपलब्ध रहे। कोरोना वायरस से संक्रमित थे बाद स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों ने पगले 31 जुलाई रोज 84 वर्ष की उम्र प्रणव मुखर्जी अवसान थयुं। पुस्तक में कांग्रेस विषयनी तेमनी टिप्पणी ए समय सामे आवी रही छे ज्यारे कांग्रेस पक्ष आंतरिक उथलपाथलना समयमांथी पसार थई रह्यो छे। राजकीय विश्लेषक डॉक्टर विष्णु पंड्या आमा साथे फोनलाइन पर जोड़ाई गया छे। विष्णुभाई आपनु स्वागत छे। जी 24 कलाक में प्रणव मुखर्जी तेमणे तेमना पुस्तकनी अंदर जे खुलासा कर्या छे अने अत्यारे तेज प्रकारनी परिस्थितिमांथी कांग्रेस जई रही छे, कई रीते जोई रह्या छो आ समग्र બાબતને આપ? રાષ્ટ્રપતિ જી યે પહેલા પણ એક પુસ્તક લખી ચૂક્યા છે અને આ એના પછીનું કઈ એક્સટેન્શન છે। એમાં બહુ સ્પષ્ટ થયું હતું આગલા ભાગમાં જ કે પ્રણવ મુખર્જી કોંગ્રેસમાં ઘણું બધું કામ કરવા છતાં એક विशिष्ट वर्ग जे छे एनो जे सत्ता ऊपर बैठेलो छे, सत्ता नी साथे जोड़ायेलो छे, एने एनी पसंदगी नहोती। नहीं तो आम तो मुखर्जी नो लांबा समय थी सौथी सीनियर मोस्ट अनुभव रह्यो छे। इंदिराजी नी हत्या पछी तुरंत ए घटना जाणीती छे के वडा प्रधान पदना सौगंध विधि लेवाना हता। राजीव गांधी नी साथे कलकत्ता थी प्रणव मुखर्जी निकला था अने भूलथी प्रणव मुखर्जी थी बोलाई गयो तो ए वक्ते पत्रकारों पासे के सीनियर मोस्ट हूँ छू, एनो अर्थ ए थयो के वडा प्रधान ए थशे। दिल्ली आवता ज तख्तो बदलाई गयो अने राष्ट्रपति ए वक्तना जयलसिंह हता एमनी साथे मसलत करी अने राजीव गांधी वडा प्रधान बनी गया। त्यारथी आ आखो विखवाद शुरू थयो छे। 1984 थी अने पछी तो वधती गई आखी बात। राष्ट्रपति ज्यारे बन्या प्रणव मुखर्जी पेला पण आ पुस्तक में जेम लख्यू छे मनमोहन सिंह ने बदले एमने वडाप्रधान बनावानी पण एक विचारणा केटलाक लोकोनी हती। मनमोहन सिंह पोते जेम कह्युं के मने पण एम लागे छे के प्रणव मुखर्जी पोताने मारा करता वधारे उपयुक्त मानता हता अने एमनी दलील साची होई शके छे। आ संजोगो तो हता ज एटले आ एमणे जे लख्यू छे ए एका मात्र कोंग्रेसनी परिस्थितिनुं एक उमेरण छे, एक्सटेन्शन छे के कोंग्रेस अत्यारनी परिस्थितिमां अने आ एवा समये आ पुस्तक बहार पड्युं छे कि ज्यारे केटलाक कोंग्रेसना नेताओ आझाद अने कपिल सिब्बल ने बाकी बधा एमणे आनी आ वात करी छे कि भाई नेतृत्व कंईक लावो, एक या बीजू लावो, बदलावो। एनो अर्थ गर्भित अर्थ तो ये छे कि हवे कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी अने राहुल गांधी थी मुक्त करवा जोईए, थवी जोईए, तो ज एनी प्रगति शक्य छे। प्रणव मुखर्जीए पण एज लख्यू छे के 2004 पछी जो एमने पसंद करवामां आव्या होत तो कांग्रेस हारी न होत 2014 એમણે એમાં એ પુસ્તકમાં પણ લખ્યું છે। એનો અર્થ એ થયો કે મુખર્જી જેવા કેટલાક લોકો હતા કે જે કોંગ્રેસની માં આ પ્રકારની ગાંધીગીરી ઇન્વર્ટેડ કોમામાં ગાંધીગીરી એ ચલાવવા માંગતા નહોતા પણ મજબૂર હતા। એને માટે મજબૂર હશે કેમ બા એ તો આપણને ખબર નથી। મુખર્જી તો બહાર નીકળ્યા હતા, એને પોતાનો પક્ષ પણ સ્થાપ્યો હતો, પરંતુ એ પક્ષ ચાલ્યો નહીં, ન ચાલ્યો। એનું મુખ્ય કારણ આર્થિક હતું, પક્ષને ચલાવવા માટે એક મોટી આર્થિક દિવાલ પણ જોઈએ
એ પણ એની પાસે ન થાય. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં આ પુસ્તક અત્યારે કોંગ્રેસના જે નેતાઓએ બગાવતનો ધીમો સ્વર ઉભો કર્યો છે એને વધારે મોટો કરવા માટેની તક આપશે. બિલકુલ વિષ્ણુભાઈ, આપ જોડાયા, વાતચીત કરી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 2021 થી ઉપલબ્ધ થશે પ્રણવ મુખર્જીની આ પુસ્તક. તમામ લોકો તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીના આ પુસ્તકમાં મોટો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.